दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में हुआ रोमन रेंस वर्सेस सैमी जेन के बीच मेन इवेंट मैच वाकई में काफी तगड़ा मैच था। मैच की एंडिंग भी काफी तगड़ी थी। हालांकि मैच की शुरुआत थोड़ी स्लो थी, लेकिन जैसे जैसे मैच लंबा चलता गया वैसे वैसे मैच और भी तगड़ा बनता गया। ऑडियंस की तरफ से सैमी जेन को लेकर काफी तगड़ी पॉप भी मिल रही थी, लेकिन इससे रोमन रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। रोमन रेंस ऑडियंस को चिढ़ा भी रहे थे और सैमी जेन के ऊपर काफी तगड़े तगड़े अटैक कर रहे थे। रिंग साइड में बैठी सैमी जेन की पत्नी के सामने भी रोमन रेंस ने सैमी जेन के ऊपर काफी तगड़े अटैक किए। एक तरह से रोमन रेंस ने सैमी जेन की हालत खस्ता कर दी, लेकिन फिर भी दोस्तों सैमी जेन हार मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों मैच के दौरान सैमी जेन ने रोमन रेंस को सुपरमैन पंच लगाया और उसके बाद हेलुआ किक मारकर पिन भी किया, लेकिन रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया। दोस्तों मैच के दौरान सैमी जेन का पलड़ा भारी दिखते ही अचानक से जिम्मी उसो आकर सैमी जेन के ऊपर सुपर किक की बरसात कर देते हैं और रिंग के ऊपर से काफी तगड़ी जंप भी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों सैमी जेन हार नहीं मानते। दोस्तों जब रोमन रेंस सैमी जेन के ऊपर चेयर से अटैक करने की कोशिश करते हैं तभी जे उसो आ जाते हैं। रोमन रेंस और जे उसो के बीच में बहसबाजी हो जाती है और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सैमी जेन रोमन रेंस को स्पीयर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पीयर जे उसो को लग जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रोमन रेंस सैमी जेन के ऊपर चेयर की बरसात कर देते हैं और लास्ट में एक जोरदार स्पीयर मारकर रोमन रेंस सैमी जेन को हरा देते हैं और इस मैच में काफी तगड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद जिम्मी उसो सैमी जेन पर अटैक करने लग जाते हैं, जिसको देखकर केविन ओवंस रिंग में आ जाते हैं और जिम्मी उसो के साथ साथ रोमन रेंस को भी काफी तगड़ा स्टनर लगा देते हैं। और जब पॉल हैमन रोमन रेंस को बचाने आते हैं तो केविन ओवंस पॉल हैमन को भी काफी तगड़ा स्टनर जड़ देते हैं। दोस्तों मैच काफी तगड़ा था, मैच की एंडिंग भी काफी तगड़ी थी, लेकिन सोलो सिकुआ मैच में कहीं देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।